ये पेड़ गिरा हुआ है तो ये बंद करिए जी, डायरेक्ट डीएम के पास अभी कंप्लेन करते हैं। हेलो जी, नमस्कार सर। ये पहले तो आपने मास्क नहीं लगाया है, ये बात है। दूसरी राम पूछ रहे हैं कि ये पेड़ जो पड़ा हुआ है ये गलत पड़ा है सही पड़ा है, अगर बाई चांस अगर कोई रात में निकलता है दुर्घटना हो सकती है नहीं हो सकती? हाँ हो सकती है। ठीक है, बाकी मास्क लगाइए। नमस्कार, 112 जी। नमस्कार मैम जी, आप बताइए। अच्छा, यहाँ पर एक रास्ते में पेड़ पड़ा हुआ है, पास में नहर है और नहर वाली जो सड़क है उसी के पास पड़ा, वो कभी भी यहाँ पर दुर्घटना हो जा सकती है। रास्ते में एक पेड़ पड़ा हुआ है जी, क्रॉस करे हाँ। इधर आ जाए तो इनमें लड़ सकता है। अच्छा, लड़ सकता है। मास्क लगा लीजिए ऊपर, जरूरी है मास्क, और बच्चे का भी मास्क लगा दीजिएगा एक हो आपके पास। चलो रुमाल। हाँ, ये बताइए आप, ये पेड़ जो पड़ा है ये गलत है सही पड़ा है, बाय चांस यहाँ पे दुर्घटना हो सकती कि नहीं हो सकती? हाँ, हो सकती। एक दूसरी तरफ एक नहर है। हाँ। और एक नमस्ते, मेरा नाम है विनोद बाबू, आप ज्ञानकोश देखना शुरू कर चुके हैं। हम अभी इस रास्ते से गुजर रहे थे, हमें ये पेड़ दिखाई दिया है और हमें एक और कंप्लेंट मिली है कि यहाँ पर दो पेड़ गिरे हुए हैं। अभी जी भाई से हम पूछ लेते हैं, ये पेड़ जो पड़ा है गलत है सही है, अगर कोई बाय चांस अगर रास्ते में रात में अगर चलता है दुर्घटना हो सकती कि नहीं हो सकती? दुर्घटना जरूर हो सकती है। अब अगर उधर से आएगा कोई व्यक्ति, अगर इधर जाएगा तो इसमें जा सकता है, पास में एक नहर है, नहर दिखा दीजिएगा इधर थोड़ा, ये नहर है, दुर्घटना हो सकती है? दुर्घटना हो सकती है, यदि यहाँ से कोई क्रॉस करे हाँ। इधर आ जाए तो इनमें लड़ सकता है। अच्छा, लड़ सकता है। बाकी अगर अगर दो पहिए की बात करें तो आराम से निकल जा रहा है, अगर चार पहिए की बात करें तो नहीं हो सकती है? अगर जब मान लिया चार पहिया इधर हो, दो पहिया वाला इधर फंस जाए तो वो भी लड़ सकता है। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ, ये बिल्कुल पेड़ गलत है, इसे हटाना चाहिए। ठीक है, दोनों लोग मास्क लगाए हैं, जरूरी है मास्क लगाना, जरूरी है ये काम, जरूरी है मास्क सभी को लगाना। ठीक है, जाइए, अभी हम कोशिश करते हैं ये वीडियो हमारा सोशल मीडिया पर अपलोड जाएगा, तो अभी हम 100 डायल को कॉल करते हैं और डीएम साहब से भी कहते हैं कि ऐसी लकड़ियाँ जो गवर्नमेंट की हैं सरकारी हैं वो अब पड़ी हुई हैं, और अभी आपने केस देखा होगा एक बलिया का है और उसमें एक बुजुर्ग एक पेट्रोल से उस लाश को जला देता है, टायरों से जलाता है, जबकि लकड़ियाँ सरकारी सरकार के पास पड़ी हुई हैं। अभी और एक पेड़ पड़ा हुआ है, वो हम दिखाएंगे, गिरा हुआ है और उसको कुछ लोग काट भी रहे थे, तो हम वहाँ पर गए, जैसे ही कैमरा ऑन किया था वो लोग भाग गए हैं, तो अभी हम कंप्लेन करेंगे और बुलाएंगे 100 डायल को और वन विभाग को कॉल करेंगे हम। सिलो भैया सिलो, लोग गाड़ी इतनी तेज चलाते हैं, आप देख रहे हैं दिन का हाल है और रात में तो यहाँ पर दुर्घटना होने की संभावनाएं ज़्यादा है, तभी हम यहाँ पर अभी कॉल करेंगे 100 डायल को। ये पहले तो आपने मास्क नहीं लगाया है, ये बात है। दूसरी राम पूछ रहे हैं कि ये पेड़ जो पड़ा हुआ है ये गलत पड़ा है सही पड़ा है, अगर बाय चांस अगर कोई रात में निकलता है दुर्घटना हो सकती है नहीं हो सकती? हाँ, हो सकती है। ठीक है, बाकी मास्क लगाइए। जी भाई, ये पेड़ पड़ा हुआ है ये गलत है सही पड़ा हुआ है? जरूरी है मास्क, और बच्चे का भी मास्क लगा दीजिएगा एक हो आपके पास। चलो रुमाल। हाँ, लो। ये बताइए आप, ये पेड़ जो पड़ा है ये गलत है सही पड़ा है, बाय चांस यहाँ पे दुर्घटना हो सकती कि नहीं हो सकती? हाँ, हो सकती। एक दूसरी तरफ एक नहर है। हाँ। और एक पेड़ है। हो सकती नहीं हो सकती? हो जाएगी। ठीक है, जाइए। अभी हम कॉल कर रहे हैं 100 डायल और डीएम साहब के पास कंप्लेन करेंगे कि ये पेड़ पड़ा हुआ है, कभी भी रात में दिन में दुर्घटना हो सकती है, और ये काफ़ी दिन से पड़ा हुआ, हम यहाँ से गुजर रहे थे और पास में देखिए नहर भी है और ये पेड़ पड़ा हुआ काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है। हाँ, इससे दिक्कत होती है, निकलने में दिक्कत होती है। अभी आप जा रहे हैं दो पहिए वाहन से हैं तो आराम से निकल जाएंगे, शायद चार पहिए वाहन होता तो आपको थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ता। ब्रेक और रात को भी दिक्कत है, कोई निकले तो उसमें भी दिक्कत है, अगर ना देख पाए तो दिक्कत तो है ही है, दुर्घटना हो सकती है। और क्या है, तो इस पे शासन को
ठीक है, शासन के पास अभी कंप्लेंट। नमस्कार 112 जी। नमस्कार मैम, आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है आवाज। आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है, हमारी आ रही है आवाज। जी बताइए क्या मदद कर सकते हैं? जी मेरा नाम विनोद बाबू है और यहाँ पर एक रास्ते में सर आवाज सही से नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा सर, अब आ रही मैम आवाज? जी आप आ रही, बताइए। अच्छा, यहाँ पर एक रास्ते में पेड़ पड़ा हुआ है, पास में नहर है और नहर वाली जो सड़क है उसी के पास पड़ा, वो कभी भी यहाँ पर दुर्घटना हो जा सकती है। रास्ते में एक पेड़ पड़ा हुआ है? जी लाइन पर बने रहिएगा, कितना दर्द जा रही है। अच्छा आपका नाम? विनोद बाबू। ये जिला अलीगढ़ थाना गोंडा है जहाँ पर आना है? नहीं, ये लखीमपुर खीरी, जिला लखीमपुर खीरी है। जिला अलीगढ़ थाना गोंडा है? नो नो मैम, ये लखीमपुर खीरी जिला। जिला लखीमपुर खीरी है, आना कहाँ पर पता बताइए? आना बखारी ना? हाँ बखारी आना, बखारी की जो नहर है वहीं पर आना। बखारी नहर जिला क्या है? जिला लखीमपुर खीरी। थाना क्या लगेगा? थाना गोला गोकरनाथ। तो लाइन पर ही रहिएगा। जी मैम लाइन पे। बखारी के पास का कोई दूसरा गांव होगा? बखारी के पास को दूसरा गांव? अरे जमुनाबाद फार्म। जमुनाबाद फार्म? जमुनाबाद, हाँ जमुनाबाद फार्म। जी आपका नाम क्या है? विनोद बाबू। सूचना दर्ज हो गई है, आप आशा तहसील पहुँचिए। धन्यवाद जी। ओके मैम धन्यवाद जी। हमारी 100 डायल से बात हो जा चुकी है, अभी थोड़ी देर में 100 डायल यहाँ पर आएगी और इस पेड़ कोशिश करेंगे कि इस पेड़ को हटवाया जाए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कभी भी दुर्घटनाएं हो जा सकती हैं। बात करें हम वन विभाग की तो अभी हमने कॉल किया था, वहाँ नहीं लग पा रहा, उनका नंबर वैध बता रहा है। और डीएम साहब के पास हमने कंप्लेंट की तो कहा उन्होंने अपने नज़दीकी तहसीलदार के पास कॉल करिए, वही इसका समाधान निकाल पाएंगे। और एक यहाँ पर पेड़ दिख रहा है और एक और पेड़ गिरा हुआ है, लोगों से कहा जा रहा है भैया तुम लोग आगे आ जाओ यार, कैमरे में आ जाओ तो सही रहेगा, थोड़ा पीछे खड़े आ जाओ इधर आ जाओ। अगर बात करें पेड़ पेड़ की तो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और इससे कोरोना काल में लोगों ने कहा है, लोगों को बहुत सी दिक्कतें आई हैं ऑक्सीजन की वजह से, लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। और लोगों का कहना है कि पेड़ लगाओ वातावरण को शुद्ध बनाओ, लेकिन पेड़ गिरे जा रहे हैं और कुछ काटे जा रहे हैं। कुछ बात यातायात वाहन निकल रहे हैं, हम उनसे पूछेंगे। जी भाई कहाँ से आ रहे हैं? लखीमपुर से। लखीमपुर से आ रहे हैं। ये पेड़ पड़ा हुआ है, देखिए थोड़ा नज़र डालिए इस पर, और कि ये पेड़ अभी यहाँ पर रास्ते में पड़ा हो सकता है, कभी दुर्घटना हो सकती है कि नहीं, पास में नहर है। जी अभी हमने कंप्लेंट किया है, डीएम के पास भी कंप्लेंट किया है, 100 डायल आ रही, कोशिश करेंगे, हो सकता आप ही लोग निकलते हैं रास्ते में। हाँ तो हम जो यातायात परिवहन दो पहिए चार पहिए से निकले हैं उनसे लगातार हम पूछ रहे हैं। यहाँ पर दो पेड़ गिरे हुए हैं तो कोशिश करेंगे हम इन पेड़ों को इनके लिए कुछ करवाया जाए। अब 100 डायल अभी कॉल आएगी हमारे पर। तो हम बात करेंगे और
तब तक हम नज़दीक बैठते हैं, आओ आओ छाए में बैठते हैं, टेल लगेगी। हाँ हेलो, हाँ सर, दो नंबर से बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहे हो? अच्छा जी, बखारी बखारी जमनाबाद फार्म। हेलो हेलो सर, आवाज़ आ रही है हमारी? हाँ बोलिए, तो कहाँ से बोल रहे हैं? हम बखारी से बोल रहे हैं, बखारी यहाँ जमनाबाद फार्म नहर के पास से। बखारी? हाँ बखारी, बखारी आना है सर। अच्छा अच्छा सर, यहाँ दो पेड़ गिरे हुए हैं और उनको कुछ दो गिरे थे, चार उन्हें बताना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो ये देखा आपने गाड़ी गई है, और सर से हम बात करते हैं। सर ये पेड़ गिरा हुआ है तो ये बंद करिए, ये जो है सक्षम अधिकारी के पास लगाया जाता है, उससे पूछा जाता है जो इस विभाग का अधिकारी हो। नहीं हमने कॉल किया था तभी, वन विभाग के पास बस कॉल किया था और कंप्लेंट की थी। वन विभाग का गिरा ये गिरा है, अभी हो सकता है, अभी हमने काफी लोगों से पूछा, इसको जो है हम लोग सामने नागौर रख दीजिए, कोई अधिकारी आए। अच्छा अच्छा, ये जो है पेड़, हाँ चार महीने से पड़ा, चार महीने से पड़ा। नहीं आज हम गुजरे तो इधर दिखा, हमें लोगों से हमने कंप्लेंट की पूछा, चार महीने से पड़ा है। अच्छा, हमारी ये रोज की रास्ता है ना, तो हमको दिखाई पड़ रहा है कब से पड़ा है, और चार महीने से पड़ा है ये। अच्छा, और सर वहाँ एक पेड़ गिरा हुआ, हमने वहाँ पे जैसे कैमरा ऑन किया तो कुछ लोग भागने लगे। कहाँ पड़ा? ये यहाँ, ये इस गली से है आगे उधर, हाँ उधर गाड़ी थोड़ा जा पाएगी, वो नहर विभाग का तो देख लीजिएगा, संज्ञान ले लीजिएगा उसको, हम जा ही नहीं पाएंगे ना नहर, ये जाएंगे नहीं। अभी हमने हंडे डाल को डाल करके कॉल करके बुलाया था, तो यहाँ पर आए हैं, उन्होंने इस पेड़ को देखिए, हमने काफ़ी लोगों से बात भी की है कि हो सकता है कभी दुर्घटना हो जा सकती है। अरे हमारा नाम शालिक राम है। अच्छा, तो आपके पास एक बखारी का चार्ज नहीं था? अच्छा, और यहाँ के अभी चार्ज से हमने बात की थी, मतलब पेड़ों का हमारे पास चार्ज नहीं है, खाली नहर का है। अच्छा, पानी का बस। तो नहर में जैसे अगर कोई, अगर अगली अगली बार अगर कोई पेड़ गिर जाता है तो सीधे कंप्लेंट किसके पास की जाए? यही पास, ये जो नंबर आप मिलाए। अच्छा, तो इस वीडियो को शेयर करें, और जो नंबर बताया गया अभी हमने जो कॉल किया था उस नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। अगर आपको नहर विभाग यानी वन विभाग से अगर कोई कंप्लेंट पेड़ काटे जाते हैं क्योंकि पेड़ को लगाने की राय दी जाती है, इसके बारे में क्या कहेंगे कुछ? कौन ये लोग? हाँ नहीं, पेड़ लगाने की बारी, ऑक्सीजन देता है पेड़। हाँ, अभी जानते हैं कोरोना काल चल रहा था, तो पेड़ अगर कोई काटता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। हाँ तो कंप्लेंट हम नहीं यह कर सकते। अच्छा, नहीं आप बता तो सकते हैं? हाँ बता ही सकते हैं। हेलो सर, सुरेश बाबू बोल रहे हैं सर? सुरेश बाबू वन विभाग से? अच्छा सर, बखारी का चार्ज आपके पास है? है सर, एक पेड़ गिरा हुआ है नहर के पास में, रास्ते में गिरा हुआ है, कभी भी दुर्घटना हो जा सकती है। मैं विनोद बाबू सोशल एक्टिविस्ट बोल रहा हूँ। विनोद बाबू सोशल एक्टिविस्ट, तो यहाँ गिरा हुआ है, हमने हमें हमारे पास काफ़ी कंप्लेंट आई थी, अभी हमने डीएम के पास भी कॉल किया था तो उन्होंने कहा है कि वन विभाग से कॉल करिए। हाँ तो सर देख लीजिएगा उस जी, बखारी किधर पड़ा है? बखारी के पुल के पूरम में। पुल के पूरम में? हाँ हुआ। हाँ सड़ा हुआ है, काफ़ी बड़ा है और रास्ते में है, कभी भी दुर्घटना हो जा सकती है। ठीक ठीक, अब आपके यहाँ क्लियर होंगे? हाँ, इन्हीं की चार्ज में है और यही जो है हटवा। हाँ ये पेड़ देख लीजिएगा, अभी काफ़ी हो सकता है, ये पास में नहर है और इधर से अगर कोई यातायात वाहन आए तो शायद यहाँ पर दुर्घटना हो जा सकती है। ये अगर इधर से आता है तब भी पेड़, अब पेड़ लगभग चार महीने से यहाँ पर पड़ा हुआ था और उसको अभी तक किसी ने संज्ञान में नहीं लिया है, काफ़ी हो सकता है यहाँ पर दुर्घटनाएं हो जा सकती हैं, पास में नहर है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये लकड़ी पड़ी हुई हैं, हम आपको एक बात और याद दिला दे रहे हैं कि
कि यहाँ पर आपने अभी देखा होगा कि एक वीडियो तेज़ी से वायरल हुआ है कि कुछ पुलिस कर्मचारियों की मौजूदगी में उस लाश को पेट्रोल और टायरों से जलाया जा रहा है। ये लकड़ियाँ हैं हमारा, मतलब किसी ऐसी चीज़ नहीं जिससे किसी को व्यक्ति को ठेस पहुँचे, पर ये सूखी लकड़ियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं, रास्ते में पड़ी हुई हैं। तो इनका अगर यूज़ कर लिया गया होता तो आज 5 पुलिस कर्मचारी जो सस्पेंड हुए हैं वो सस्पेंड ना हुए होते। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो शेयर के साथ हमारे पेज को लाइक और फॉलो भी करें। या वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक के साथ फॉलो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हम आपको दिखाते रहेंगे इसी प्रकार की खबरें। धन्यवाद।